गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SSMIC की 10th क्लास के स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने। पहले मैंने आपको SST में यानी सामाजिक विज्ञान में आपको पार्ट एक पढ़ाया था। आज मैं आपको पार्ट दो पढ़ाती हूँ यानी लेसन नंबर 2। पहले मैंने आपको लेसन नंबर 1 पढ़ाया था, अब मैं आपको लेसन नंबर 2 पढ़ाती हूँ। पहले मैंने उसके लेसन नंबर 1 के नोट्स दिए थे आपको बनाकर, आप वो फेयर कॉपी पे करना, और ये मैं आज मैं लेसन नंबर 2 के नोट्स दूंगी, वो भी आप फेयर कॉपी पे करना। पार्ट का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो पॉइंट नंबर 1 है, भारतीय इतिहास रूप में बहुत ही बड़ा है। भारतीय इतिहास रूप में बहुत ही बड़ा है। अंग्रेजों के शासन के पहले भारत एक बड़ा शक्तिशाली व विकसित देश था। भारतीय इतिहास रूप में बहुत ही बड़ा है। अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजों का जब शासन था उसमें सबसे पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली व विकसित देश था। यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। किसका शासन था? दिल्ली में सल्तनत आदि का शासन था, साम्राज्य सल्तनत आदि का शासन था। परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर भारत आई और आर्मी को बढ़ाने लगी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और वो आर्मी को बढ़ाने लगी। इसके कारण 1850 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके कारण क्या हुआ, 1850 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था, जिससे ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इस अध्याय में हम 1922 की बात है। इस अध्याय में हम 1922 के दशक से आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के कब, क्या और कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका अध्याय करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस पर, प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और आंदोलन, असहयोग आंदोलन की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। इस समय भारत अंग्रेजों की रक्षा व्यय खर्चे में भारी इजाफा यानी नुकसान हुआ था। इसकी भरपाई के लिए कर्ज लिए गए थे और करों में वृद्धि की गई थी। कर भी लेने थे और उसमें वृद्धि की गई थी, कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर प्रारंभ किया गया, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर प्रारंभ किया, जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्नीस सौ तेरह और उन्नीस सौ अट्ठारह के बीच कीमतें दोगुनी हो गईं और इससे भारत पर परेशानी आई, जिससे सबसे ज़्यादा गरीब लोग परेशान हुए। इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग परेशान हुए थे क्योंकि उनके पास जो है
खाने पीने के लिए समस्या थी, उनके पास खाने पीने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही कमज़ोर थी। गांव में सिपाहियों को जबरदस्ती भर्ती कराया गया। यह वह समय था जब फसल भी बर्बाद हो चुकी थी, उस टाइम किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। और 1920 और 1921 में जिससे खाने हो चुकी थी, 1918 और 1921 में खाने पीने की भी समस्या आई थी, क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी थी, खाने की सामग्री पर भी भारी कमी आई। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई थी। एक फ्लू महामारी थी जो उस समय फैल गई थी 1921 में और 1920 में और 1921 में फ्लू बीमारी थी, जो जैसे आज हमारी बीमारी ये फैल रही है कोरोना की, ऐसी ही उस टाइम ऐसी ही बीमारी फैली थी, जो भारत को नुकसान हुआ था, भारत पर जो है बहुत ही बड़ी विपत्ति आई थी। दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। उसमें 120 से 130 लोग मारे गए थे, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे भारत को नुकसान हुआ था। 1921 की जनगणना के मुताबिक, पॉइंट नंबर दो, 1921 की जनगणना के मुताबिक क्या हुआ, लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के कारण उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने के कारण हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पॉइंट नंबर दो, सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह के विचार क्या थे? महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे, इससे पहले गांधी जी दक्षिण अमेरिका में रहते थे। वहां उन्होंने एक नए तरह से जन आंदोलन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी सरकार से सफलतापूर्वक लोह लिया था। कब आए थे? 1915 में गांधी जी दिल्ली आए थे, पहले वो अफ्रीका में रहते थे, वहाँ से उन्होंने नए नए आंदोलन सीखे। तो वहाँ से जो है वहाँ के जो नस्लवादी सरकार से सफलतापूर्वक लोह लिया था। भारत आने के बाद गांधी जी ने इन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। किन किन स्थानों पर, वो मैं आपको अब बताती हूँ किन किन स्थानों पर सत्याग्रह चलाया था। नंबर एक है सत्याग्रह का पहला आंदोलन। सत्याग्रह का पहला आंदोलन था 1916 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। किसके लिए प्रेरित किया था? किसानों के लिए। किसानों के लिए, जैसे किसान वहाँ के संघर्ष करते हैं, तो गांधी जी ने बिहार के 1916 ईस्वी में बिहार में चंपारण दमनकारी बागान जो है व्यवस्था किसानों के, बागान एक क्षेत्र होता है, बागान क्या होता है, बागान एक क्षेत्र होता है, जो खाली क्षेत्र था उसमें जो है किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। बागान को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। उस टाइम कैसा होता था, बागानों को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। 1917 गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। वहाँ की फसल खराब हो जाने के कारण और फ्लू महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि हमारा लगान वसूली में ढील हो जाए, लेकिन ऐसी नहीं हुआ था। नंबर दो, आंदोलन।
ये आंदोलन 1918 में चला था। पहला आंदोलन किस में चला था? पहला आंदोलन चला था आपका 1916 में बिहार में, और ये आंदोलन चला था आपका अहमदाबाद में 1918 में। ये आंदोलन चला था अहमदाबाद में 1918 में, सूती कपड़ा कारखाने के बीच चलाए गए। ये मजदूर के वेतन बढ़ाने के लिए था। किसके लिए था? मजदूरों की वेतन बढ़ाने के लिए ये आंदोलन था। इन्होंने तीन आंदोलन चलाए, इन्होंने इन आंदोलनों में सफलता मिली, इनको इन आंदोलनों में सफलता मिली थी। इस सत्याग्रह को उन्होंने अपना हथियार बना लिया, इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना हथियार बना लिया, जिससे उन्हें लगा कि ये आंदोलन दो सफल हो गए तो आगे मैं इन आंदोलनों को और बढ़ाता हुआ जाऊंगा तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तो तीसरा सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं? इसमें है पॉइंट, सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह के विचार से हम सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर जो आपका उद्देश्य सच्चा है या आपका कार्य जो आप करने को जा रहे हैं वो सच्चा है तो सत्य है, तो आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, वो संघर्ष अन्याय के खिलाफ है। तो मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे किसी भी बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये पॉइंट नंबर आपका 4, रोलेंट एक्ट क्या है, इससे आप क्या समझते हो? ये पॉइंट है आपका, रोलेंट एक्ट क्या है, इससे आप क्या समझते हो? रोलेंट एक्ट 1919 में अंग्रेजी शासन ने एक कानून पास किया था जिसका नाम था रोलेंट एक्ट। तो रोलेंट एक्ट क्या है? अंग्रेजी 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया था, उसका नाम था रोलेंट एक्ट। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक अंग्रेज कैदियों को 2 साल तक बिना बताए जेल में बंद करने, बिना मुकदमा बताए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ थे जिसको काला कानून कहा जाता था। वो ऐसा कानून था जो बिना मुकदमे के उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। जो वहाँ के वे कश्मीर के लोग थे उनको जेल में बंद किया जाता था और उनको बताया भी, उनको मुकदमे के बारे में भी कुछ नहीं बताया जाता था। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई, वो उनके खिलाफ थे जिसको काला कानून कहा जाता था। और अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, उन्होंने रोलेंट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। ये दो वो शब्द हैं जो हिंसा और अहिंसा के प्रतीक हैं। जो हिंसा का मतलब होता है, हिंसा का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, हिंसा का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, और अहिंसा का अर्थ है सत्य। जो सत्य पर चलता है वो होता है अहिंसा, और जो लड़ाई झगड़े से चलता है वो होता है हिंसा। तो उन्होंने ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो हिंसा और अहिंसा, तो लड़ाई झगड़े जो हैं अंग्रेजों ने शुरू किए थे तो, और गांधी जी सत्य के रास्ते पर चलने लगे। इसके लिए सत्याग्रह रोलेंट प्रारंभ किया। रोलेंट प्रारंभ कब हुआ था? 16 अप्रैल 1919 को ये 4 सत्याग्रह थे, ये 4 सत्याग्रह थे। 16 अप्रैल 1919 को ये 4 सत्याग्रह थे जो उस टाइम हुए थे। रोलेंट एक्ट सत्याग्रह
के विरोध में लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, उस टाइम अपनी दुकानें बंद कर दी थी और रैली जुलूसों का आयोजन किया था। उस टाइम रैली और जुलूस निकालने लगे थे, सभी लोग हड़ताल पर चले गए। तभी जो है सारी दुकानें वगैरह बंद कर कर सारे लोग हड़ताल पर चले गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इस आंदोलन के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया था। स्थानीय नेताओं ने बंदी बना लिया। महात्मा गांधी को दिल्ली के आने से रोका गया, जो दिल्ली में नहीं बढ़ने दिया था गांधी जी को। उस टाइम अंग्रेजी सरकार गांधी जी के खिलाफ थी और गांधी जी को बढ़ने नहीं दिया था। फिर आपका पॉइंट है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग है हत्याकांड। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कार्यों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। इससे गुस्साए लोगों ने जगह जगह पर सरकारी स्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अमृतसर की कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। किसके हाथों में सौंप दी गई? जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई थी। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। उसमें ग्रामीण लोग समूह जलियांवाले बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आए थे। ग्रामीण लोग पंजाब में बैसाखी का मेला लगा था, जहां ग्रामीण लोग एक समूह होकर इकट्ठा होकर मेला लगाने आए थे, मेला देखने। कुछ लोग लगाते थे और कुछ लोग मेला देखने के लिए आए थे। वह बाग में चारों तरफ से, वो बाग जो था जलियांवाला बाग, चारों तरफ से बंद था और निकलने के लिए रास्ता संकीर्ण नहीं था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उस गोलीकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई थी। महात्मा गांधी हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। वो चारों तरफ जब गोली फैल गई थी, चारों तरफ गोलियां चल गई थी, बेकसूर लोग मारे जाने लगे, तो गांधी जी जो है हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने वो अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ये आपका दूसरा चैप्टर यानी दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप, मैं इसके नोट्स दूंगी आपको, इसके फोटोकॉपी दूंगी, तो आप जो है इन नोट्सों को फेयर कॉपी पर लिखना, साफ राइटिंग में लिखना, और मेरे को इस ये फेयर करके और व्हाट्सएप से जो आप जुड़े हुए हैं बच्चे, वो आप व्हाट्सएप करके अपनी कॉपियां, अपना होमवर्क मेरे को दिखाएंगे। थैंक यू।